हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और साथ ही साथ हमने मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश पेडागॉजी हम कैसे कवर करेंगे, हम थ्योरी पढ़ेंगे साथ ही साथ में उसका एमसीक्यू भी लगाते जाएंगे। तो हमने जो है पहले लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ा, उसका हमने एमसीक्यू लगाया, अब हम प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़े हैं। तो आज के सेशन में उसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन आर गिवन टू हेल्प द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज, इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोजेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लैंग्वेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ जेस्चर एंड सिंबल इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया है, आपसे यहाँ पे लैंग्वेज के विषय में प्रश्न किया गया है कि लैंग्वेज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि लैंग्वेज जो होता है, भाषा जो होती है, वो क्या है, एक ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक मेथड है, यानी कि जो मानवीय संचार की एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। फिर एक्सप्रेशंस आर गिवन टू हेल्प द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज, यानी कि बहुत ही कठिन, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहती है भाषा में, तो हम अपने आव भाव भंगिमा से हम बताते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है। हम बहुत जगह मीनिंग नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को उस तरीके का एक्सप्रेशन करते देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, हाँ ये ना ये समथिंग। जैसे कि लोग हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवी में हमें एक एक शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से समझ में आया, नहीं नहीं ये तो बल्कि ये चीज ये बोल रहा होगा पक्का, है ना। सिंपल है ना, हम मान करके चलते हैं आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच में कैमरामैन भी बड़े होशियार हैं, कैमरामैन भी उस समय उस खिलाड़ी के मुंह में बड़ा फोकस मारते हैं जो उस समय गाली दे रहा होता है, हमें पता चल जाता है ये गाली दे रहा है, वो सुनाई नहीं देता लेकिन पता चल जाता है कैमरामैन को, क्योंकि पता है कि कब क्या, क्योंकि उनकी ये बड़ी पैनी नजर रखते हैं। तो एक्सप्रेशन ना, तो एक्सप्रेशन से तो आपको समझ में आ जाता है, तो बस ये तो बिल्कुल सही है लैंग्वेज के संबंध में कि एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं पे भी किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये उदाहरण का प्रयोग किया है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत दिशा में इसका अर्थ कोई भी ना ले, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोजेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है ना, बहुत बार ये लगता है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम तो है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि इतनी सारी लैंग्वेज है, कभी कभार लगता है कि इतनी सारी क्यों, क्योंकि भारत क्या बहुभाषिक देश है, हम अलग 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 इतनी सारी भाषाएं, 22 तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज ही है, है ना। तो यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं तो ये भी तो है, मतलब कि करेक्ट लग रहा है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी तो इंडिया में है, बिल्कुल है। लेकिन फिर लास्ट एक्सप्रेशन, लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है, लैंग्वेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बात हुई कि भाषा जरूरी नहीं होती, भाषा तो जरूरी है, ठीक है। फिर यूज ऑफ जेस्चर एंड सिंबल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप ना केवल हाथ, यानी कि जेस्चर्स होते हैं ना कि हम अपने बॉडली एक्सप्रेशंस जिसको बोलते हैं, तो वो जेस्चर से बता दो या सिंबल से बता दो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी ना भाषा जरूरी नहीं है। भाषा यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, एक्सप्रेशन कहाँ पे जरूरी है, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया है लैंग्वेज का तब तो ठीक है, यानी कि मूवी देख रहे तो पता चल रहा है कि हाँ ये व्यक्ति ना ये समथिंग ये ऐसा कुछ बोल रहा होगा, वो तो ठीक है, लेकिन भाषा बिल्कुल ये नकार देना कि भाषा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि यह कथन सत्य होगा, जी नहीं। आपसे बोला गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नकार दिया गया है कि भाषा जरूरी नहीं है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये कथन क्या है, ये कथन गलत है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज द नॉलेज ऑफ मदर टंग, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कभी भी हम जब नई भाषा को सीखते हैं तो
तो क्या द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज एन इंटरफियरेंस रादर देन फैसिलिटेटर? हमारी मातृभाषा ना यहाँ पे इंटरफियर कर रही है, ना कि फैसिलिटेटर का काम कर रही है। फिर द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, यानी कि जब मातृभाषा का ज्ञान यहाँ पे हमें सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। द मदर टंग शुड नॉट बी यूज एट ऑल बाई द लर्नर्स, ये मातृभाषा, जब आप कुछ नया भाषा सीख रहे हो ना, तो मातृभाषा को ना पूरी तरह से क्या कर दो, पूरी तरह से उसका प्रयोग करना बंद कर दो। नॉट एट ऑल यूज बाई द लर्नर्स, पूरी तरह से बिल्कुल यूज ही नहीं करना। नई भाषा सीखते हो ना तो मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा, जब आप कोई नई भाषा सीखते हो तो क्या है? अब देखो, नई भाषा सीखते हैं तो हमारी जो मदर टंग होती है ना, वो एक वो हेल्पफुल होती है। कैसे होती है कि हमारी भाषा में बोलते हैं ना, जैसे कि हम नॉर्मली हिंदी में ही चलो बात करें, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसमें से यदि कोई हमें पंजाबी, सिंधी, मराठी, उड़िया, तेलुगु ये मिला, तो वो बोलेंगे, आप बोलो रोटी, कोई बोलेगा चपाती, कोई बोलेगा फुलके, है ना, अलग 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 हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे। तो ये क्या है, यानी कि हमें ये बता, हमारे यहाँ ना इसको ये बोलते हैं, हमारे यहाँ ना इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सहायक होती है, आप नई भाषा सीख रहे हो तो हम ना रिलेट कर पाते, अच्छा मेरे यहाँ ना इसको ये बोलते हैं, से बाग, बगीचा, ठीक है, अलग 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 लोग, अलग अलग उद्यान, लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई गार्डन बोल रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये जो मातृभाषा होती है वो हमें हेल्प करती है। तो नई भाषा सीखने में मातृभाषा का ज्ञान क्या होता है, हेल्पफुल होता है, यानी कि सब वो सहायता हमारी करता है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरफेयर कर रहा है और फैसिलिटेटर का काम नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और ये तो बिल्कुल नकार देना कि ऐसा करो कि मातृभाषा का प्रयोग करना बंद कर दो, तो कोई बात ही नहीं हुई, आप कैसे ये बात बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, ध्यान देना नहीं है पूछा गया, क्या है भाषा की विशेषता, क्या नहीं है। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स, भाषा किससे बनी हुई है, सिंपल सी बात है ना, भाषा मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स, जो बोलते हैं ना हम स्वर, स्वर व्यंजन ये सब, तो उससे बना हुआ है, वोकल साउंड से बना हुआ है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज और द आइडियाज कन्वेड बाय देम, यानी कि कोई रिलेशन नहीं होता है कि आपने वर्ड, जैसे कि सिंपल है ना, हमें ये पता है नाइफ, ठीक है, यानी कि इसका मतलब चाकू है, चाकू दिखता कैसे है, बोलते कैसे, लिखा कैसे है, तो देयर इज नो रिलेशन, दैट्स ट्रू ना, कि वर्ड कैसे हम बोल, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा के शब्दों में और वो क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, इनमें कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एवरीबडी गेट्स द लैंग्वेज इन अ हेरिटेज, सभी को ना बोलते हैं ना कि वंश परंपरा से हमको मिली है, क्या मिला है, ये तो हमारे, ये हमारा खानदानी है, तो सभी लोगों को भाषा जो है खानदानी मिली रहती है। फिर लिखा है, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि हमारी वृद्धि में जो ये भाषा होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बताइए निम्न में से क्या भाषा की विशेषता नहीं है, बताइए भाषा की विशेषता क्या नहीं है, आपको भाषा की विशेषता नहीं है पूछा गया है। अब देखो, भाषा बिल्कुल साउंड से मिलकर के बनी है, बिल्कुल सही है, ये नहीं बोला गया, देखते हैं जो जो चीज सही है तो वो तो बिल्कुल वो ऐसा कटेगा, मतलब यानी कि ये तो सही है। देयर इज नो रिलेशन, हाँ बिल्कुल रिलेशन तो नहीं होता है, हमें ये बोल दिया गया इसको ना ये बोलते तो हम बोलते हैं, बाकी वो दिखता कैसे है, क्या भाव व्यक्त करता है, उसमें कोई संबंध हमें दिखता तो है नहीं। फिर एवरीबडी गेट्स अ लैंग्वेज, एवरीबडी सभी लोग, ऐसा कैसे आपने बोल दिया सभी लोग, सभी को मतलब कि हमें क्या मिला, वंश परंपरा से सभी को भाषा मिली होती, नहीं भाई, हमें किसी को फ्रेंच सीखने का मन है वो सीख लिया, किसी को रशियन सीखने का मन है वो सीख लिया, किसी को इंग्लिश सीखने का मन है वो सीख लिया, जिसको जो सीखना है सीख रहा है, लेकिन वंश परंपरा से मिली, हमारा तो ये खानदानी है, तो ये बात नहीं बनती ना, तो ये एवरीबडी बात बोल दिया तो ये तो गलत होगा। फिर लैंग्वेज तो बिल्कुल जरूरी होती है, किसी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्रोथ प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में, विकास वृद्धि में, हाँ बिल्कुल ये महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते तो है।
तो इसका मतलब कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एवरीबडी गेट्स द लैंग्वेज इनहेरिटेज, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज. सो हियर द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कॉम्पोनेंट्स, निम्न में से कौन सा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कॉम्पोनेंट्स है. साउंड, स्क्रिप्ट, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, यानी कि भाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है. तो भाषा में बताओ सबसे महत्वपूर्ण क्या है. हम पैदा हुए हमें नहीं पता था कि पानी मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता. हम क्या बोलते थे, हमने सुना था, मतलब कि हमें ये क्या पता था क्या कि किसको क्या बोलते हैं, कि पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है, मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ. ठीक है, जो कोई पढ़ाता है वो हमारे टीचर बन जाते, जो पढ़ता है वो स्टूडेंट है, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक. हमें तो नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला ना. तो जब धीरे धीरे पता चला इसको क्या बोलते हैं, तो किसी भी भाषा में महत्वपूर्ण क्या है, वोकैबुलरी. क्या इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साउंड, स्क्रिप्ट, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर में वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है. किसको क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा कि लैड तो सबके में है ना, सबके दिमाग में है, क्या चीज की आवश्यकता है, केवल वोकैबुलरी सीख जाओ, बाकी तो सब सीख जाओगे. और उन्होंने बोला कि 5 वर्ष तक ये जो हम भाषा जो सीख रहे होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण, ये जो आयु है उस समय हम हमारा बहुत ज्यादा हम भाषा सीख लिए होते हैं, सीखते हैं, है ना. बाकी तो आगे भी सीख सकते हैं, लेकिन नॉम चॉम्स्की ने बताया कि वोकैबुलरी बस सीख लो, बाकी तो भाषा सब सेट हो गई, और उसका स्ट्रक्चर कैसे सेट करना है. तो उन्होंने उनकी बात करें वोकैबुलरी, तो इसका मतलब आपको अल्टीमेटली क्या समझना है, किसी भी भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ दीज आर नॉट एम्स ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, निम्न में से कौन सा भाषा के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है. एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन अ कोहेरेंट मैनर, एबिलिटी टू रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज. निम्न में से भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है. तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य सिंपल है ना, भाषा को आप केवल इसलिए थोड़ी ना पढ़ते हो कि पास हो जाएं किसी भी एग्जाम में. भाषा है ना, तो भाषा है, जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज. तो यदि हम बात करें कि भाषा को केवल पास होने के लिए पढ़ना, एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन इट इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ह्यूमन नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेज और मीडिया. जो मानवीय ज्ञान है उसका अर्जन और उसको धारण करना किसके मदद से, ये हो सकता है. मानवीय ज्ञान आपने कैसे अर्जन किया, इंटरनेट के माध्यम से, या स्क्रिप्ट के माध्यम से, या लैंग्वेज के माध्यम से, या मीडिया के माध्यम से. आपने कहां से अर्जन किया मानवीय ज्ञान, ह्यूमन नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट. हम जानते ही नहीं कि इसको क्या बोला जाता है, हम जानते कि कहीं पे भी यदि हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यदि हमें भाषा का ज्ञान ही नहीं होता तो मानवीय ज्ञान का अर्जन आप कैसे कर पाते. मानवीय ज्ञान के अर्जन के लिए आवश्यक क्या होता है, तो भाषा, भाषा ना, कि ये किस में लिखा हुआ है. अच्छा, आप कहीं जा रहे हो, रोड साइड में कुछ लिखा हुआ है कि रायपुर 10 किलोमीटर दूर है, बिलासपुर इतने किलोमीटर, वो क्या है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है. मैं बोलती हूँ चाहे किसी में भी लिखा है, हम बोलते चलो फ्रेंच में ही लिखा है, लेकिन भाषा इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो आप जाने ना कि अच्छा ये इतना लिखा है ना. तो ह्यूमन लैंग्वेज इज एक्वायर्ड रिटेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ना, लैंग्वेज की मदद से हम उसका अर्जन कर पा रहे और अपने तक उसका धारण कर पा रहे, रिटेन कर पा रहे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बीन अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड लॉज. दिस कम्स अंडर द डैश फंक्शन ऑफ इंग्लिश, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन ऑफ इंग्लिश, क्रिएटिव फंक्शन ऑफ इंग्लिश, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ इंग्लिश और कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ इंग्लिश. पहले समझो क्वेश्चन को, बोला क्या गया, यानी कि अंग्रेजों के समय से, सिंस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेजों के समय से
इंग्लिश हैज बीन अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या बन गई है, प्रशासन की भाषा बन गई है, कोर्ट्स की भाषा बन गई है, कानून की भाषा बन गई है। इसका मतलब कि इंग्लिश अपनी कौन सी यहाँ पे भूमिका अदा कर रही है, कौन सी भूमिका अदा कर रही है, देखो ऐसा समझो ना, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स लॉज, क्वेश्चन में आंसर दिया है, हमें यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि इसका मीनिंग आपको पता नहीं है, तो आपको आपको यहाँ पे आप ये निकाल नहीं पाओगे कि क्या है। लेकिन आप ये बताओ, यदि एडमिनिस्ट्रेशन की वो भाषा बन गई, कोर्ट्स की भाषा बन गई, कोर्ट्स एंड लॉज की भाषा बन चुकी है, ठीक है, न्यायालय एवं कानून की भाषा बन चुकी है, प्रशासन की भाषा बन चुकी है, इसका मतलब कि अपनी ये कौन सी भूमिका निभा रही है, इसका मतलब ये नियामक कार्य प्रणाली का कार्य कर रही है कि नहीं, रेगुलेटरी फंक्शन अदा कर रही है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज, ये क्या है रेगुलेटरी, अल्टीमेटली ये सब क्या निकल करके आएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज ही निकल करके आएंगे, यानी कि भाषा क्या कर रही है, नियामक कार्य प्रणाली की भूमिका अदा कर रही है। नियामक, जहां कहीं भी नियामक होता है यानी कि वो रेगुलेटरी होता है, क्या होता है, रेगुलेटरी होता है। जब ये रेगुलेटरी फंक्शंस है तो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ इंग्लिश, तो रेगुलेटरी कहाँ लिखा है, इंस्ट्रूमेंटल क्रिएटिव, तो रेगुलेटरी है, क्या है, रेगुलेटरी है कि आपको बिल्कुल ये चीज का, आपके यदि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इंग्लिश में होने वाली, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा इंग्लिश में है, ठीक है, तो ये रेगुलेटरी फंक्शन अदा कर रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, आप लोग भी अपने आंसर बताते चलेंगे और मिलाएंगे कि आप लोग करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्रॉइंग डांस म्यूजिक क्लासेस एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मोड ऑफ असेसमेंट विच कैटर टू डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स टीचिंग एवरी लेसन एंड रिवाइजिंग द लेसन टेस्टिंग द चाइल्ड फ्रीक्वेंटली। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या हमसे बोला गया, क्वेश्चन बोला अ टीचर कैन कैटर द लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय, यानी कि एक शिक्षक क्या करती है कि हैंडल कर लेती है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो अधिगम का तरीका होता है ना उनके सभी विद्यार्थियों का, वो कैसे उनको हैंडल कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्राइंग डांस म्यूजिक क्लासेस, यानी कि हैंडल करते हैं बच्चों को ना, क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि ऐसा करो, ड्राइंग की क्लास, डांस म्यूजिक क्लास सबको अटेंड कर लो, सबको ज्वाइन कर लो, ठीक है, कि तभी हम तो पता चल जाएगा मुझे कि तुम्हारा ना सीखने का तरीका क्या है। टीचर ऐसा कर रहे हैं क्या कि ऐसा करो तुम ये इसको ज्वाइन कर लो, फिर मुझे पता चल जाएगा तुम सीखते कैसे हो। जी नहीं, ये टीचर को क्या जरूरत है कि तुम डांस करो, ड्राइंग करो, जो करना है वो करो, लेकिन तुम्हारे सीखने के तरीके को जानने के लिए टीचर ये तुमसे नहीं बोलेगी, ये तो बात होती है। फिर उसके बाद एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मोड्स ऑफ असेसमेंट विच कैटर टू डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, बच्चे अलग अलग, ये जो विभिन्न अधिगम का जो ये तरीका होता है, तो टीचर क्या करेंगी, व्यक्तित्व भिन्नता को अपनाते हुए, यानी कि सब बच्चे इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, तो उसको अपनाने के लिए टीचर क्या करेंगी, अलग अलग अपने शिक्षण के तरीके लेकर के आएंगी, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों को वो अपनाएंगी, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों को अपना करके वो अपने जो इतनी डाइवर्सिटी है उनके बच्चों में, सीखने की इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, तो उनको वो क्या करेंगी, आसानी से कैटर कर लेंगी, आसानी से उसको वो टैकल कर लेंगी, ठीक है। क्या किया जाता है, व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि शिक्षण पद्धतियां क्या की जाती हैं शिक्षकों के द्वारा, विभिन्न शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जब विभिन्न शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाती हैं तो वो आसानी से सीखने के तरीकों को वो जान लेते हैं और उसको टैकल कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे टीचिंग एवरी लेसन एंड रिवाइजिंग द लेसन, तो ऐसा नहीं ना कि हम सभी चैप्टर चलो पढ़ते हैं उसके बाद तुम रिवाइज करो, तो उससे क्या मैटर, उस वो टीचर को उससे क्या फर्क पड़ रहा है। और टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली, यानी कि अपने बच्चों को चेक करते, टेस्ट करते रहो, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे यदि हम देखें कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे अलग 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 तरीके से सीख रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से बच्चे तो सीखते हैं, उनको तो पता है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उसके लिए टीचर क्या करें, अलग अलग विभिन्न विभिन्न शिक्षण पद्धतियां वो अपना लेते हैं, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरी अ यंग टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट All learners must learn on their own. Children must enjoy their learning
Every person must be exposed to learning. Every learner is unique and needs to be given a chance to develop to the best of their ability. बोला गया है कि मेरी जो कि एक young teacher है, बिलीव करती है किसमें, पर्सनलाइज्ड लर्निंग में, क्योंकि उनको लगता है, क्या लगता है उनको, ऑल लर्नर्स मस्ट लर्न ऑन देयर ओन, यानी कि सभी बच्चे अपने से क्या करें, पढ़ें। फिर उसके बाद में बोला गया है चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय देयर लर्निंग, यानी कि जो कुछ भी सीखते हैं उसको वो क्या करें, एंजॉय करें। एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज टू लर्निंग, यानी कि सभी व्यक्तियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए। एक्सपोज मतलब एक्सपोजर, मौका होता है, ठीक है। फिर एवरी लर्नर इज यूनिक, पर्सनलाइज्ड लर्निंग में वो क्यों बिलीव कर रही है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि एवरी लर्नर इज यूनिक, यानी कि जितने भी अधिगम करता है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस, और उनको मौका देना चाहिए, क्यों, टू डेवलप टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि वो अपनी क्षमता का सबसे विलक्षण है, यानी कि सबसे बेस्ट वो अपने आप को वो बेस्ट साबित कर सके और अपने आप में वो बेस्ट बन सके, ठीक है। तो वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग को क्यों फेवर करती है, मेरी पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इसलिए फेवर करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि सभी कोई क्या है, सभी यूनिक हैं। ये बात यदि आपने इसको पढ़ा, यदि हम बिलीव करें, यदि हम नॉर्मली इसको देखें, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये इसको पढ़ा भी होगा कि यदि हम देखें व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई गई हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या बोलता है, शैक्षिक मनोविज्ञान की सभी के व्यवहार, सभी अलग 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 होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग है, तो शिक्षकों को क्या करना है, अलग अलग पढ़ाने का तरीका अपना लेना है। तो ये मेरी जो कि ये यंग टीचर है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे बिलीव इसलिए करती है क्योंकि उनको लगता है कि सभी बच्चा क्या है, सभी बच्चा यूनिक है, सभी बच्चा यूनिक है और उन सभी को मौका मिलना चाहिए कि वो बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी में वो डेवलप कर पाए अपने आप को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों ने भी यही बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर्स, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर्स। फर्स्ट यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल ड्रिल। तो मैकेनिकल ड्रिल क्या होता है, पहली बात तो अपन ये देखते हैं, तब तो जानेंगे ना कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो मैकेनिकल ड्रिल क्या बोलता है, मैकेनिकल ड्रिल जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया बुक, अब बुक में हमने एक चीज को बस पढ़ लिया, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ठीक है। पेन लिखा हुआ है, अब हमने पढ़ लिया, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो ये कलम है, ये कलम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैकेनिकल ड्रिल क्या बोलता है, मैकेनिकल ड्रिल बोलता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए हमारा, किस पे, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में, कि बच्चा बुक देखे तो तुरंत बच्चा बोले ये पुस्तक है, दिस इज अ बुक, ठीक है। फिर यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी इस पर मैटर नहीं करता कि कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, कि क्या है क्या नहीं, कि कॉम्प्रिहेंशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है, मैकेनिकल ड्रिल में कॉम्प्रिहेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे का रिस्पॉन्स मैटर करता है। और वो क्या मैटर करता है कि जैसे कि बच्चा यदि बुक देख रहा है तो वो बिल्कुल दिस इज अ बुक, वो कैसे बोल पाएगा जब वो इतना रट्टा मार लिया है देख करके, क्या किया, रट्टा मार लिया है। तो मैकेनिकल ड्रिल फोकस किस पे करता है, रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, कि बच्चा रट कितना पाया है, स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग ऑफ अ कैपेसिटी, यानी कि तुम पूरा रट डालो, क्या कर डालो, रट डालो। तो मैकेनिकल ड्रिल क्या करता है कि स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, ठीक है, समझ में, आप बोलते हैं ना रोट लर्निंग, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना है, ठीक है। फिर लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप एंड होल क्लास वर्क, बिकॉज दीज प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, हैव अ सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, अनेबल टू ऑलरेडी ओवरवर्क टीचर टू प्रिजर्व हर एनर्जी देयर बाय बिकमिंग मोर इफेक्टिव, अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज अ लैंग्वेज इन अ फोकस मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरैक्शन। आपसे बोला गया है कि लर्नर्स जो हैं, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं
कि लैंग्वेज की क्लास हुई, भाषा की क्लास है, ठीक है, लैंग्वेज चाहे हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, जो भी क्लास लो, भाषा की क्लास है। अब वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं कि पेयर वर्क, यानी कि दो दो का पेयर बना लिए और फिर काम कर रहे हैं, समूह वर्क कर रहे हैं यानी कि ग्रुप बना लिए, और होल क्लास वर्क यानी कि पूरी क्लास जो है कोई ना कोई काम कर रही। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं भाषा की क्लास में, भाषा तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स, ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये थोड़ा ठीक है, भाषा की क्लास है, तुम्हारी जो इच्छा ना, तुम अपने यानी कि अकेले जो करना है कर लो, मिल करके दो जन कोई काम करना चाहते हो तो कर लो, समूह का कोई कार्य करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो तुम रिलैक्स हो जाओ, ये बाकी हर वक्त तो पढ़ते रहते हो, अभी ना रिलैक्स हो लो। तो ये होता है क्या, रिलैक्स वाली बात आती है क्या? जी नहीं, मतलब पढ़ने पे ही ये गलत है। फिर हैव अ सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि हम ना हम कुछ अकेले करेंगे, हम कुछ मिल करके दो लोग साथ में करते हैं, हम ना समूह में कुछ कार्य करें, तो ऐसे में ना कुछ अलग सा हम कुछ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ना, हम ना अलग अलग दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ना इतनी सारी वैरायटी से पढ़ाई करते हैं, ऐसा होता है क्या? जी नहीं। फिर अनेबल टू ऑलरेडी ओवर वर्कड टीचर टू प्रिजर्व हर एनर्जी, यानी कि हम अपना काम इसलिए कर रहे हैं, हमने जिससे अपने शिक्षक को समय दे सकें कि आप ना थोड़ा रिलैक्स कर लो, आप थोड़ा रिलैक्स कर लो जिससे आप और ज़्यादा प्रभावी बनो, ये कोई बात होती है? जी नहीं। तो फिर क्या, अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरैक्शन। हम इसलिए भाषा की क्लास में बोला गया ना, शुरू क्वेश्चन में आंसर है पेयर वर्क कर रहे हैं, कोई दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, अकेले अकेले में कोई काम कर रहे हैं, समूह में कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, और पूरी क्लास इन्वॉल्व है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाषा की क्लास है, और भाषा में व्यक्ति जब तक बोलेगा नहीं तो जानेगा नहीं, व्यक्ति बोलेगा नहीं तो जानेगा नहीं। इंडिविजुअल एक्टिविटी में व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ मुझे ये बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे पूरी क्लास आपस में क्या करे, इंटरैक्ट करके, तो क्या हो रहा है, अफोर्ड द लर्नर अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर, कि कैसे उसका प्रयोग करना है जिससे हम रियल लाइफ इंटरैक्शन, जैसे कि हम मार्केट में गए हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में आपको कुछ चीज ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करोगे, क्या बोल के ऑर्डर करोगे, पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग करना है, तो इसीलिए इंटरैक्शन किया जा रहा है, भाषा की क्लास है क्योंकि वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर देना है, इसको आप कहीं पे पढ़ोगे नहीं कि ये यहाँ पे, आपको अपने से ये चीज को सोचना है। फिर क्या, टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाई, एक टीचर कैसे मदद करते हैं, एक शिक्षक कैसे मदद करते हैं अपने शिक्षार्थियों का किसी भी इंग्लिश, यानी कि कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में अपने ज्ञान को आप कंस्ट्रक्ट करो कि हाँ आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये पूरा कंस्ट्रक्ट करो आप, कैसे कर पाएंगे। गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप उनको ना बहुत सारे असाइनमेंट दे दो, प्रोजेक्ट दे दो, उससे क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, करेक्टिंग एवरी मिस्टेक, यानी कि उनकी जितनी भी गलतियाँ हैं ना, आप उसको क्या करते जाओ, आप उसको सुधारते जाओ। A learner makes and giving the relevant rule of a grammar as an immediate feedback. बच्चा कहीं में भी गलती करे ना, तो आप उसको सुधारो और तुरंत उसको बताओ, नहीं नहीं बच्चे ये ना ग्रामर का ये वाला रूल यहाँ पे लगेगा। आप ऐसा करोगे क्या कि उसको इंग्लिश में आप कुछ सिखाना है तो फिर आप कैसे बोलोगे। फिर उसके बाद में गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली, यानी कि आप इतने सारे उसको वर्क दे दोगे और बोलोगे तुम ऐसा करो, पूरा रट डालो, पूरा ये इंग्लिश का ना ये पूरा रट डालो, तुम्हारी इंग्लिश ना स्ट्रांग हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है अनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज, यानी कि आप उनको क्या करोगे, आप उनको अनेबल करोगे क्या करने में, देखो तुमने पहले क्या सीखा और देखो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, यानी कि देखो ये तुमने ये तुम पहले से ये चीज को जानते थे, अब हम ये चीज को सीखेंगे, या फिर ये चीज तुमने नई सीखी है, तो आप उनको क्या करोगे कि अनेबल करोगे देम टू सी द रिलेशनशिप। देखो ये इसको ऐसा बोला जाता है, आपने ए पढ़ा है, हाँ हमने ए पढ़ा है, अब देखो ए से ना एप्पल बनता है, आपने हमने क्या पढ़ा था, हमने
ए के बाद बी पढ़ा, यानी कि हमने पूरा अल्फाबेट्स पढ़ा ना, जेड तक पढ़ा है। तो ए से एप्पल होता है, बी से बॉल होता है, बी ए डबल एल बॉल होता है। फिर उसके बाद में ना एक जैसे साउंड वाले रैट कैट मैट, ये ना एक जैसे साउंड वाले होते हैं, ठीक, क्योंकि हमने ये अल्फाबेट्स पढ़ा हुआ है। ये क्या है, ए क्या है, ए, ये सब ना वॉवल साउंड है। आप यहाँ क्या कर रहे हो, देखो हमने पढ़ा था अल्फाबेट, इससे इतनी सारी चीजें निकल करके आती हैं। इससे क्या होता है कि आप इंग्लिश के कंस्ट्रक्शन में उनकी मदद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश। कैसे, कि हमने देखो ये पढ़ा, लेकिन उससे ये भी बनता है, उससे ये भी बनता है। तो जो प्रायर नॉलेज है और न्यू नॉलेज में आप कैसे रिलेशनशिप को अनेबल करोगे, शिक्षक की यहाँ पे इस तरीके से मदद कर रहा होता है। आप उसकी गलती तुरंत, उसको कितना आप रूल रटवा दोगे, आप कितना बोलोगे रट्टा मार लो, आप उसको कितना होमवर्क दे दोगे कि असाइनमेंट प्रोजेक्ट कर डालो, नहीं, आप उसको बोलोगे देखो हमने ये पढ़ा, अब हम ये पढ़े तो देखो इसका कैसे संबंध है। ठीक है, समझ में आप लोगों को ये चीज को, जैसे कि मैंने बताया, ये चीज को हमको बड़ा ही दिमाग लगा करके, आप, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आप बताइएगा कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है ना, कि हम इसको कैसे बोलते हैं, बोल चाल की भाषा, बस वही है। वो क्या कर रही है, वो किस चीज को बेसिकली रिप्लेस करती जा रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग या मोटिवेशनल टीचिंग। वो ये जो बोलते हैं ना कि ये बोलचाल की भाषा में ना हम इसको ये बोलते हैं, तो वो किसको रिप्लेस करती हुई जा रही है। तो रिप्लेस की यदि हम बात करें तो बोलचाल की भाषा में हम इसको ये बोलते हैं, इसको हम इस तरीके से बोल देते हैं। तो बहुत जगह हम बोलने लगते हैं तो बहुत जगह हम स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं देते, मैं जा रहा था, फिर मैं आया, फिर वहां से चला गया, फिर तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम एक फ्लो में बोल जाते हैं। हम वहां पे ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है क्या नहीं, किसको पहले बोलना है किसको बाद में, यानी कि हम वो स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। बोल चाल की भाषा में हम कुछ भी मतलब बोल रहे हैं, हमें जो बोलना है हम बस अपने भाव व्यक्त करते जा रहे हैं, है ना, हमारे मन में जो आ रहा है हम बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि वो किसको बेसिकली रिप्लेस कर रही है, स्ट्रक्चरल टीचिंग को, कि इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर हमारा रिप्लेस होता जा रहा है ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के चलते। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 13 का आंसर क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सॉन्ग्स राइम्स गेम्स इन अ क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड। यानी कि आप सॉन्ग्स को यूज कर रहे हो, राइम्स को यूज कर रहे हो और गेम्स को आप प्रयोग कर रहे हो क्लास में, वो किस में मदद करता है बच्चों की, ओवरकम शाइनेस, यानी कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा शाई फील करते हैं ना, शर्मीले से होते हैं, यानी कि उससे बाहर आने में ये मदद करेगा, और डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इंटरेस्ट रुचि आएगी उनमें, मोटिवेट टू स्पीक, यानी कि वो अभिप्रेरित होंगे बोलने के लिए उपरोक्त में से सभी। तो जो पर्टिकुलरली यदि हम सॉन्ग्स की बात करें, जैसे कि गाना हो गया, पोयम हो गया, गेम्स हो गया, तो ये बच्चों की किस में मदद करता है, बिल्कुल ये जो शर्मीलापन है तो उससे वो बाहर आ पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इंटरेस्ट लगता है, वाह यार बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो उनमें इंटरेस्ट भी जगा। फिर उसके बाद में फिर साथ में बच्चे बोल रहे हैं, मछली जल की रानी है, बच्चे भी साथ में बोल रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मोटिवेट टू स्पीक, वो भी हमारे साथ में बोल रहे हैं, तो यानी कि वो क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, समझ में आया, तो फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा का ज्ञान बिकम्स अ बर्डन टू टीचर इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, टीचर के लिए ना एक बर्डन सा हो जाता है, क्या ये होगा, कंफ्यूजेस द लर्नर्स व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। यानी कि इतनी सारी भाषा, एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या करेगा, अधिगमकर्ता को कंफ्यूज कर देगा जब भी वो नई भाषा को सीखने जाएंगे, तब इज अ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। यानी कि ये ना क्या कहता है, मदद करता है कि हम जब किसी भी नई भाषा को या तो
पढ़ें या पढ़ाएं, ठीक है, हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग, फिर कॉज्ड इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि ये ना एक रोड़े की तरह होता है एक नई भाषा को सीखने में। हमसे बोला गया नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या होता है, तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या बर्डन है, जी नहीं बर्डन तो नहीं होता है। क्या कंफ्यूज कर देता है, क्या, जी नहीं कंफ्यूज भी तो नहीं करता है। क्या इंटरफेरेंस होता है, क्या, जी नहीं इंटरफेरेंस भी नहीं होता है। क्या मदद करता है, क्या, जी हाँ मदद करता है कि इस भाषा में से ये बोलते हैं, इस भाषा में से ये बोलते हैं, इस भाषा में से ये बोलते हैं। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान हेल्पफुल होता है, क्या होता है, देखो कीवर्ड बस पकड़ना है और आंसर आ गया। यहाँ पे लिखा था बर्डन, यहाँ पे लिखा था कंफ्यूज, यहाँ पे लिखा था हेल्पफुल और यहाँ पे लिखा था इंटरफेरेंस। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल कीवर्ड को पढ़ना है और आंसर में आ जाओगे बर्डन बिल्कुल नहीं होता, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करता, रोड़ा बिल्कुल नहीं बनता, इंटरफेयर नहीं करता, तो फिर क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन के अपने आंसर में पहुंचना है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने 15 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आई होप आप लोगों से बने होंगे और आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।